राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशियों का जो भविष्य है वह ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 3 दिसंबर को ईवीएम तय करेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर से पहले अलग अलग मीडिया हाउसेस की ओर से अपने एग्जिट पोल भी जारी किए गए हैं, जिनमें से अधिकतर मीडिया हाउस ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने के दावे किए हैं। हालांकि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो एग्जिट पोल हैं उनकी जो गणित है वो ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल की बात करें तो बीजेपी को लगभग बहुमत के अंदर यहाँ पर माना जा रहा है, तो जबकि कांग्रेस है वह भी पूरी तरीके से राजस्थान में टक्कर देती हुई बीजेपी को नज़र आ रही है। क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर एक बार फिर 25 साल का जो रिकॉर्ड है उसे यहाँ कांग्रेस तोड़ पाती है, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं इसको लेकर बात करेंगे। देखिए, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने अपने जो एग्जिट पोल हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं और उसमें बात करें तो इंडिया टुडे ने भाजपा की 90 सीटें राजस्थान में दी है, जबकि कांग्रेस की लगभग 96 सीटों पर जीत के दावे वह कर रही है। इसके अलावा जो 13 अन्य हैं निर्दलीय और अन्य प्रत्याशी हैं उनके जीत के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा टाइम्स नाउ की अगर बात करें तो 118 जो सीटें हैं वो बीजेपी को यहाँ पर टाइम्स नाउ ने दी है, जबकि 64 कांग्रेस के खाते में आई है और 17 निर्दलीयों के खाते में। इसके अलावा एबीपी की बात करें जो सी वोटर्स हैं उनकी जो गणना है उसके हिसाब से 104 सीटों पर भाजपा यहाँ पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि 81 सीटों पर कांग्रेस जो है अपना जो दावा है वो करती हुई नजर आएगी। हालांकि 14 जो अन्य जो निर्दलीय है 14 सीटों पर वो यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ टुडे न्यूज़ 24 की बात करें तो 89 सीटें बीजेपी को उन्होंने दी है, इसके अलावा 101 सीटें उन्होंने कांग्रेस के खाते में डाली है और 9 अन्य जो निर्दलीय हैं अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। TV9 की अगर बात करें तो 105 सीटें बीजेपी को दी है, 85 कांग्रेस के खाते में है और 9 सीटें निर्दलीयों के खाते में है। इसके अलावा इंडिया टीवी की बात करें तो 85 सीटें भाजपा के खाते में है, 99 कांग्रेस के खाते में है और 16 जो है वो निर्दलीय जीतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक की अगर बात करें तो 122 सीटें उन्होंने बीजेपी को दी है, सबसे ज्यादा जो बीजेपी को सीटें दी है वो रिपब्लिक ने अपने एग्जिट पोल में बताई है। इसके अलावा 70 सीटें जीतने का दावा उन्होंने कांग्रेस की ओर से यानी कांग्रेस के खाते में उन्होंने डाली है और 7 जो निर्दलीय है या अन्य पार्टियों के हैं उनकी जीत के यहाँ पर दावे किए हैं। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है बनाने की वो बात कह रहे हैं, 102 सीटें उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को दी है, 90 कांग्रेस के खाते में है और जो 7 है वो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो 102 जो सीट है वो बीजेपी के खातों में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि 86 जो सीटें हैं कांग्रेस के खाते में है और 11 अन्य जो पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके खाते में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल की बात हुई, लेकिन इसी बीच इन एग्जिट पोल में यह भी देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और ज्यादा मार्जिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी है या फिर ऐसे प्रत्याशी है जो पार्टी से बागी होकर जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनको साधने का प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिया है कि बीजेपी के आलाकमान की ओर से लगातार संपर्क ऐसे प्रत्याशियों से किया जा रहा है और लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो निर्दलीय उनके साथ खड़े नजर आएंगे। जबकि PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने भी एक बयान देते हुए कहा है कि पिछली बार हम 99 पे थे, एक सीट से चूक गए थे, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने हमें समर्थन दिया था और हमारी कार्यशैली को उन्होंने देखा है तो एक बार वो फिर हमारे साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। यानी अभी तक पूर्ण बहुमत की अगर बात करें तो किसी भी पार्टी को फिलहाल मिलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। एग्जिट पोल भले ही जारी हो गए हो लेकिन पल पल जो ये एग्जिट पोल है ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस जो नए एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस थोड़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी है और जो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको साधने का प्रयास बीजेपी और कांग्रेस
दोनों ने ही कर दिया है। हमने 2020 में भी देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अपने पक्ष में वो उनको लेकर आए थे और सरकार उन्होंने यहाँ पर बचाई थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को ऊंट किस करवट बैठता है, और यदि आंकड़ा 95 या 90 के आसपास दोनों ही पार्टियों का होता है तो फिर लॉटरी लगने वाली है निर्दलीय प्रत्याशियों की। फिलहाल के लिए द नगरी न्यूज में इतना ही। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आदित्य।